इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भुने हुए चने की और खजूर की। सबसे पहले तो भाई आपको अजीब लग रहा होगा भुना चना और खजूर एक साथ देखकर, है ना। तो भाई ऐसा है, जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ रहा और जो अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं और जो अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो भाई ये वीडियो ना आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना, ये एक हाई क्वालिटी और हाई न्यूट्रिशन की चीजें है। खजूर, एक खजूर में कम से कम 3 ग्राम कार्ब्स होते हैं और एक ये टेस्टी बहुत होता है और इसके अंदर जो शुगर होती है ना वो नेचुरल शुगर होती है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सिर्फ खजूर की। अगर आप हर रोज खजूर खाओगे तो आपका पाचन तंत्र बढ़िया तरीके से काम करने लग जाएगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हो, खजूर पाचन की जो शक्ति है उसको बढ़ाता है। अगला इसका सबसे जबरदस्त फायदा है कि ये आपके ब्रेन को बूस्ट करेगा, आपकी मानसिक शक्ति मजबूत होगी और आप दिमाग से हर समय मजबूत रहोगे। एक और बढ़िया चीज है इसकी, जो कि है अगर आप वर्कआउट से पहले 3 खजूर खाते हो तो इसमें नेचुरल शुगर जो होती है वो आपको एनर्जी देगी। शुगर भी कई तरह की होती है, ठीक है। एक तो बुरी होती है जिससे चर्बी चढ़ जाती है, वो वाली नहीं है, ये वो वाली शुगर है जो आपको एनर्जी देगी वर्कआउट करने के लिए। जी हाँ, आपको एनर्जी मिलेगी वर्कआउट करने के लिए, इसीलिए आप इसको वर्कआउट के 20 से 25 मिनट पहले खा सकते हैं। ये एक हाई कैलोरी है, आपको एनर्जी देगा वर्कआउट के लिए। चलो ये तो था हमारा न्यूट्रिशन फैक्ट। अब बात करते हैं मुद्दे की, क्या होगा अगर आप हर रोज चने के साथ खजूर खाना शुरू कर दो। मैं बात कर रहा हूं भुने हुए चने के साथ। भुने चने में होता है प्रोटीन 18 ग्राम अगर आप 100 ग्राम खाते हो, राइट। भाई साहब ये जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं ना, एकदम जबरदस्त है, सच में बोल रहा हूं। तो भाई भुने चने में हाई कैलोरीज होती है और खजूर में भी हाई कैलोरीज होती है, मतलब इन दोनों का न्यूट्रिशन हाई लेवल का है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि खजूर पाचन शक्ति बढ़ाता है, तो जब आप भुने चने को खजूर के साथ खाओगे तो डाइजेशन फास्ट होगा, चना जो है वो जल्दी और पूरा का पूरा पचेगा, जिससे न्यूट्रिशन भी पूरे का पूरा मिलेगा। डिपेंड ये करता है कि कितना पचा है, कितना खाया है, ये डिपेंड नहीं करता। चने में एक प्रोटीन, कैल्शियम, कार्ब्स, बहुत सारी चीजें होती है, फैट भी होता है, तो इससे होता है ये कि भारी हो जाता है थोड़ा ये। लेकिन जब आप खजूर के साथ इसको खाओगे तो पूरे का पूरा न्यूट्रिशन आपको हजम होगा, पूरे का पूरा हजम होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा डाइजेशन में, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही होती है, जितना खाया उतना पचा लिया, सबसे बड़ी बात यही होती है। विटामिन बी, ग्रोथ ऑफ रेड ब्लड सेल्स, एनर्जी लेवल, मतलब आपकी बॉडी में ऊर्जा का स्तर बढ़ना, गुड आईज लाइट, आपकी आंखों की रोशनी में सुधार होना, हेल्थी ब्रेन फंक्शन, आपकी मानसिक शक्ति से मजबूत होना यानी दिमाग से मजबूत होना, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ना, गुड डाइजेशन, आपकी पचने की क्रिया में सुधार होना, आपकी पाचन शक्ति बढ़ना, ये चीजें तब होती है जब आपकी बॉडी में विटामिन बी बढ़ता है, पूरे का पूरा होता है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं खजूर जो होता है उसमें विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना, बढ़िया चीज। और ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये तभी होता है फायदा इनका जब आपकी बॉडी में विटामिन बी बढ़ेगा, और खजूर खाने से विटामिन बी आपकी बॉडी में इंक्रीज होता है। और जब आप इसके साथ चना ऐड कर दोगे तो भाई होता क्या है कि ये मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करता है, मतलब चने में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, ये चीजें होती है। तो जब आप इसको खाते हो, सबसे पहले फायदा तो ये हो जाता है कि खजूर जब चने के साथ खाते हो तो खजूर और चना एक साथ खाने से चना फास्ट डाइजेशन होता है, ये आपको मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करेगा। और जो खजूर के अंदर जो मैंने आपको बताया शुगर और ये तत्व, ये आपकी अलग हेल्प करेंगे। तो भाई एक साथ खाओगे बहुत फायदा मिलेगा आपको। और ये थे मैंने आपको जितने भी फायदे बताए। और खाने का समय आपको 10 से 11 बजे आप इसको खा सकते हो। जी हाँ, जब आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हो तो दोपहर में 10 से 11 बजे के बीच में आप कभी भी इसको खा सकते हो, इसका आपको फायदा मिलने वाला है। और ऐसी वीडियो आपको अगर अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करके बताएं, ऐसी ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।